Good morning, guys. Good buddy, good buddy. ओके, गुड मॉर्निंग गाइस। मैं आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। और सुबह के 6 बजने को हैं, मौसम भी सही है और हम बोबो के साथ हैं। आप लोग अगर मुझे नहीं जानते तो मेरा नाम है चिरंजीवी तांडिया। मुझे घूमना, लोगों से मिलना और वीडियो बनाना बहुत पसंद है। तो इस ब्लॉग में आप लोगों को मैं आज मेरे एक दिन कैसे जाता है आप लोगों को दिखाने की कोशिश करूँगा। मेरा एक दिन का, मान के चलो डेली ब्लॉगिंग काइंड ऑफ, बट लोग तो 30 दिन 40 दिन एक साल तक डेली ब्लॉग करते हैं, बट हम कोशिश करेंगे एटलीस्ट एक दिन तो कर ही पाएंगे। आप लोग देखा होगा वीडियो, सुबह बोबो मुझे उठाने आया था। बहुत ही अच्छा लगता है ये, मतलब उसको बाहर छोड़ा जाता है सुबह, जैसे ही होता है वो मेरे को आगे उठाता है और फिर मैं उसको बाहर लेके आता हूँ। ऐसे अभी जाएंगे, इसको खाना खिलाएंगे, फिर आज ऑफिस है और सी यू घर पे। हम लोग अभी घर पहुंच चुके हैं और भाई साहब चला जा। तो ये घर के सामने एक गार्डन बनाया था, तो जहाँ पे हम अभी पानी देने वाले हैं। आप लोग अगर कैसे बना था नहीं देखे हो तो प्लीज़ चेक आउट माय इंस्टाग्राम प्रोफाइल, वहाँ पे मैंने कुछ रील्स वगैरह बना के डाला हुआ है। तो ये कुछ एलमंड का ट्री, एक एप्पल का ट्री है इधर, और कुछ बेरी,
ये कुछ एक गुआवा मैंगो, तो सारा फ्रूट यहाँ पे आपको मिलेगा। और मैं यहाँ पे भी दिखा दूँगा आपको, एक ड्रोन शॉट लेके अभी दिखा देता हूँ कि कैसा दिखता है ये गार्डन, जो पहले जंगल था पूरा। वो अरे उसको खेलने का मन है अभी, आजा 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 आजा। ओके रेडी, 1 2 3 ड्रोन शॉट कमिंग अप। इधर ले, ईट, कम इन, गुड बॉडी। ऑलराइट, थोड़ा अभी फ्रेश होने का टाइम है, बाबू को दौड़ना हो गया, उसको खाना देना हो गया, अभी कुछ फ्रेश कुछ कुछ खाया जाए और फिर ऑफिस वगैरह किया जाए। मिलता हूँ आपको नहाने के बाद। नाव खाना खा के बाहर जा रहा हूँ। अब वैसे अभी सुबह के 8 बज रहे हैं, सुबह के 8 बज रहे हैं, और यहाँ पे जो नाश्ता नहीं होता भाई साहब, नाश्ता बोले तो अपना चाय और क्या बोलते हैं झालमुड़ी, वो मिल जाता है, या फिर पखाल, वो आपको मिल जाता है। सो मैं अभी आपको लेके जा रहा हूँ मेरे फील्ड पे, जहाँ पे मैं थोड़ा अपना पैसिव इनकम का सोच रहा हूँ। ये IT जॉब को हम उतना भरोसा नहीं कर सकते, सो साइड बाय साइड कुछ ना कुछ करना चाहिए। मैंने वाटरमेलन का फार्मिंग किया था, आप लोग नहीं देखे होंगे तो देख लेना, यहाँ पे पूरा जंगल था और मैंने इसको जेसीबी वगैरह लगा के पूरा साफ किया हुआ है, बाउंड्री वगैरह दिया गया है। और नारू काका लोग कुछ काम कर रहे हैं यहाँ पे, आप इन्हें जानते होंगे, वाटरमेलन वाला ब्लॉग पे देखे होंगे। ये समझो कहीं गला समझो खाई। ओके देन और एक लड़का है वो खाने गया हुआ है, और ये पूरा बाउंड्री का देखभाल करेंगे और यहाँ पे पोमोग्रेनेट लगाएंगे। तो ऑलराइट, अब मैं क्या बोल रहा था, ये मेरा फील्ड है और यहाँ पे मतलब जो खाने के टाइम पे नाश्ते पे चाय और झाल मुढ़ी मिलता है। तो थोड़ा हैवी खाना था आज मुझे, तो पखाल जो रात का चावल रहता है उसको, मतलब फर्मेंटेड राइस, उस पर टमाटर का छिटका हो गया और कुछ ड्राई फ्राई करके कुछ मिल जाए तो बहुत बढ़िया। तो मम्मी मुझे वो पखाल दिया आज, और पखाल खा के फिर हम फील्ड पे अभी इनको थोड़ा काम हम देंगे, फिर जाके ऑफिस करेंगे। बहुत ही अच्छा लगता है गांव में, आप ऐसे रात का चावल खाओ, आ हा हा। तो हमारा एक जो दूसरा बंदा है वो नहीं है, तो आई हेल्प हिम आउट, काम ना रुके। धोरी पमी तो कहना इनके धरो। ऑल राइट, तो ये पिलर लेके जा रहे हैं हम अभी, बहुत वजन है भाई साहब, क्या किस में है कि ठीक हो जाए। ओके ओके, तो ये सब काम करना चाहिए भाई, आपको मालूम चलेगा कितना टाइम लगता है, कितना वजन लगता है, सो दैट आप असाइन कर सकते हो टास्क।
और यहाँ पे हमारा एक बड़ा सा दो कुआं है ऊपर हो रहा, वहाँ देखो आप इसका पानी लेके हम अभी यहाँ पे फार्मिंग करेगा। फर्स्ट फर्स्ट कुछ मेल वगैरह है क्या चेक कर लिया जाएगा, और अभी अपना कुछ नहीं आया है, सो वी आर गुड नाउ। No, that's what in the for the stock validity, whatever body I had researched, right, that is not working, so I had to think about it again. Okay, so first work on this first one, and then we have to do this one. Okay, thank you. अभी जाके ख़त्म हुआ है 6:45। आप देख सकते हो मैं खिड़की अगर खोलूँगा बाहर तो कितना अंधेरा हो चुका होगा, देख सकते हो मेरा पूरा 8 घंटा जा चुका है। वो मुझे बाहर वेट कर रहा है, फिर से उसको बाहर लेके जाता हूँ और आप लोगों से फिर से बात करता हूँ। नहीं है बबो, चलो लेट्स गो, आ जाओ। 8 घंटा मतलब बैठने के बाद दिमाग ख़राब हो जाता है पूरा। हाँ तो मैं ये बोल रहा था कि मैं ये आईटी जॉब ज़्यादा दिन नहीं कर सकता फॉर श्योर, मुझे कहीं ना कहीं मेरा जो पैसिव इनकम है वो निकालना पड़ेगा, रादर फ्रॉम मतलब फार्मिंग से हो गया या फिर कुछ तो बिज़नेस वगैरह आइडिया लगा के कुछ करेंगे ताकि जल्दी से जल्दी हम ये जो स्टेरियोटाइप है कि 9 से 6 या फिर 8-10 घंटा जो बैठना है उसको छोड़ा जाए, उतना टाइम अगर हम खुद के लिए दें तो कहीं ना कहीं हमें ज़रूर इम्प्रूवमेंट होगा। मान के चलो आज मैं डेली ब्लॉगिंग करने का सोच रहा था लेकिन जैसे ही ऑफिस में बैठा मुझे बिल्कुल ही मन नहीं किया कैमरा उठाने का, दिमाग उधर ही रहता। ठीक है, जो लोग भी मतलब डेली ब्लॉगिंग करते हैं 30 दिन 40 दिन 10 दिन, आई रियली सल्यूट दैम कि भाई इतना डेडिकेशन के साथ कैसे वीडियो बनाते हैं एडिट करते हैं। आप लोग अगर हमें अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ कंसिडर सब्सक्राइबिंग। आई होप आप लोगों को मेरा ये दिन का जो भी ब्लॉग मैंने शूट किया अच्छा लगा होगा। अभी जाके कुछ नहीं, अभी बस खाना है और सो जाना है क्योंकि गाँव पर हम रात को 11-12 बजे तक नहीं जग पाते हैं। बस जैसे ही खाना ख़त्म होगा मैं ब्लॉग को एडिट करूँगा और आप लोगों को पोस्ट करूँगा ताकि आपको दिख जाए। और नाइट लाइफ बिल्कुल ही नहीं है यहाँ पे, इवनिंग हुआ खाना खाओ 8-9 बजे सो जाओ, फिर सुबह उठो 5-6 बजे से और बोबो को दौड़ाओ, आके उसको खाना दो और जो भी रूटीन दिखाया था वो फिर कंटिन्यू होता है टिल फ्राइडे सैटरडे संडे, और जो वीकेंड रहता है मैं वहाँ पे लोग लगा के काम कराता हूँ थोड़ा बहुत जल्दी से, कुछ फार्मिंग पोमोग्रेनेट फार्म हो गया और फिर कुछ तो आइडिया करके लगाएंगे उधर। एनीवेज आप लोगों को ये वीडियो अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, और आप लोग खुश रहें हंसते रहें सेफ रहें, और जैसे कि हर वक्त बोलता हूँ यू गैस ऑलवेज स्टे क्यूरियस कीप एक्सप्लोरिंग, आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट ब्लॉग, टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।